हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शताब्दी स्क्रीन लाइफ। आज मैं आपके साथ मेरे एक प्रोटीन प्लांट्स के बारे में शेयर करूंगी, जो है पेपर्स। मैंने बहुत सारे पेपर्स के शीट्स एक साथ लगाई हूँ तो बहुत अच्छे से फ्रूटिंग हुए, तो मैं सोच रही थी ये आपके साथ शेयर कर लूँ। तो इसलिए पहले देखिए, बहुत सारे मेरे पेपर्स आए हैं, बेल पेपर, येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर, ग्रीन, बहुत सारे आए हैं। तो पहले आप देख लो, देखिए पहले ये ग्रीन कलर होते हैं, इसके बाद धीरे धीरे से ये येलो, ऑरेंज, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए, इसलिए मैं सोच रही थी ये आपके साथ शेयर कर लूँ, शायद आपको भी अच्छा लगे। और जो मेरे फ्रेंड्स फ्लैट्स में रहते हैं और वेजिटेबल्स लगाने की बहुत शौक रखते हैं, तो मैं तो बोलती हूँ ये पेपर्स, चिलीज बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, थोड़ी सी केयर और बहुत अच्छे से ये ग्रो हो जाते हैं। तो मैं कैसे ये केयर करती हूँ, मैं बहुत साल से ये पेपर्स चिली में लगाती हूँ मेरे गार्डन में। तो मेरी जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पेपर्स के लिए पहले तो सनलाइट, 6-7 घंटे की सनलाइट बहुत ही ज़रूरी होती है। सुबह की जो सनलाइट होते हैं वो सनलाइट बहुत ही ज़रूरी होते हैं। बट जब आप शीट्स लगाओगे, थोड़ी छोटी छोटी सी शीडलिंग्स होंगे, उस टाइम में पूरे धूप में और ज़्यादा टाइम आप धूप में नहीं रखना, इससे क्या होते हैं प्लांट जल जाते हैं। थोड़ी थोड़ी सी बेबी प्लांट जो होते हैं वो जल जाते हैं, इसलिए आप थोड़ी सी सुबह की 1 घंटे की धूप लगा देना। इसके बाद जो आपके प्लांट्स होते हैं उसके नीचे आप इसको प्लेस कर देना। तो इससे क्या होते हैं प्लांट का ग्रो, जो बेबी प्लांट होते हैं इसके ग्रो बहुत अच्छे से हो जाते हैं। ये जो मैंने सारे जो चिलीज और ये जो बेल पेपर्स हैं वो मैंने शीट से लगाई हो, मेरे घर में जो बेल पेपर्स आते हैं उसके शीट से, उससे ही मैं शीट कलेक्ट करके फिर सुखा के मैंने ये लगाई हो। ये जो मैंने लगाई हूँ ये आपके साथ शेयर करूँगी, तो लास्ट तक देखिए ये वीडियो, आपको शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अब बोलते सनलाइट तो मैंने बोल दिया, 6-7 घंटे की सनलाइट इसको चाहिए। जब फ्रूटिंग शुरू होते हैं उस टाइम में तो 6-7 घंटे की सनलाइट बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और थोड़ी बेबी प्लांट जब होते हैं थोड़ी सी आप उस टाइम में थोड़ी सी धूप का ध्यान रखना, क्योंकि जब थोड़ी सी बड़े हो जाए उस टाइम में जब फ्लावरिंग आना शुरू हो जाएगा तब उस टाइम में आप थोड़ी सी धूप, धीरे धीरे से इसका धूप का जो रिक्वायरमेंट इसको बढ़ा देना, ठीक है। अब बोलती हूँ इसके जो वाटर, ये प्लांट वाटर समर टाइम में सुबह और शाम में वाटर मांगते हैं, तो आप अपने क्लाइमेट के हिसाब से वाटरिंग करना। और जब भी वाटरिंग करोगे सोयल को चेक करके फिर वाटरिंग करना। सोयल जब ड्राई हो जाए उस टाइम में आप वाटरिंग करना, और जब आप देखोगे 2 इंच तक जब फिंगर डिप मेथड का आप यूज़ करोगे, आप देखोगे कि ये थोड़ी सी गिली है, उस टाइम में आप वाटरिंग नहीं करना। और इसमें जब आप वाटरिंग करोगे थोड़ी थोड़ी सी ये वाटर स्प्रे कर देना, इससे प्लांट बहुत हेल्दी रहते, क्योंकि लीव्स जब ठीक रहेगा, लीव्स जब वॉश्ड रहेगा तब उस टाइम में फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से होते हैं और प्लांट भी हेल्दी रहते हैं और मीलीबग्स अटैक भी ज़्यादा नहीं होते, होती ही नहीं। मेरे तो प्लांट में कभी भी मैंने देखा नहीं मेरे चिलीज प्लांट पे मीलीबग का अटैक व कोई भी डिजीज़ होते हुए। तो जब भी वाटरिंग करोगे तब आप थोड़ी थोड़ी सी वाटर स्प्रे कर देना। अब बोलती हूँ फर्टिलाइजर के बारे में, ये जो पेपर्स है इसमें सारे मैं बोलती हूँ फ्रूटिंग प्लांट्स में फर्टिलाइज़र थोड़ी ज़्यादा चाहिए होते हैं। आप महीने में 2 बार, एक बार आप वर्मी कंपोस्ट डाल देना,
और एक बार 15 डेज के गैपिंग में आप लिक्विड कोई भी फर्टिलाइज़र डाल देना। मैं तो वर्मी कंपोस्ट डालती हूँ और जो सीवीड फर्टिलाइज़र होते हैं उसको मैं डालती हूँ, और जो एनपीके फर्टिलाइज़र होते हैं इसको थोड़ी सी महीने में एक बार थोड़ी सी स्प्रे कर देना। इससे बहुत अच्छे से फ्रूटिंग होते हैं और फ्रूट्स भी बहुत अच्छे से, फ्रूट्स वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। और मैं क्या करती हूँ, मैं ऑरेंज पील जो फर्टिलाइज़र होते हैं उसको मैं स्प्रे कर देती हूँ। इससे क्या होते हैं, पोलिनेटर को अट्रैक्ट करते हैं ये, तो पोलिनेटर जब भी अट्रैक्ट होते हैं तभी फ्रूटिंग बढ़ जाते हैं, आपको तो पता ही है। तो इसलिए मैं हफ्ते में एक बार बनाना पील का फर्टिलाइज़र और जो जो ऑरेंज पील फर्टिलाइज़र होते हैं उसका मैं स्प्रे कर देती हूँ, तो इससे पोलिनेटर अट्रैक्ट होते हैं और फ्रूटिंग बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में फर्टिलाइज़र देती हूँ, और आप सीवीड फर्टिलाइज़र का स्प्रे भी कर सकते हो पत्तियों में, इससे बहुत अच्छे से ये ग्रो होते हैं। तो यही रहा पेपर्स का जो फर्टिलाइज़र का रिक्वायरमेंट है, सीवीड फर्टिलाइज़र दे दो और नहीं तो कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र महीने में एक बार, और एक बार आप वर्मी कंपोस्ट दे दो, नहीं तो गोबर खाद दे दो, इससे बहुत अच्छे से ये फूटिंग होते हैं। अब बोलती हूँ सोइल के बारे में, ये जो पेपर्स होते हैं इसके ड्रेनेज वाली सोइल बहुत पसंद है, और सारे प्लांट के लिए मैं बोलती हूँ ड्रेनेज वाली सोइल ही आप बनाना। तो जब भी आप सोइल मिक्स बनाओगे इसमें आप अच्छे से जो होते हैं ये रिवर्स सेंट और परलाइट इसमें मिक्स कर देना, इससे सोयल बहुत अच्छे से ड्रेनेज होते हैं, और जब भी आप वाटरिंग करोगे वो नीचे से निकल जाते हैं, तो जो रूट रोस होते हैं उसका भी प्रॉब्लम नहीं होते। देखिए मैं दिखाती हूँ, मैं अब शीट्स लगाऊंगी, ये मैंने बहुत दिन पहले ही रख दिए थे, इसको फिर थोड़ी सी सूखा के इसको मैं डाल देती हूँ। ये जो आपने आप प्लांट्स देखे हो ये सारे इससे ही ग्रो किए हैं, ये दो महीने तीन महीने पहले ये लगाई हूँ, इसके बाद इसके फ्रूटिंग। तो मैं इस सोयल मिक्स में गार्डन सोयल, रिवर्स सैंड, थोड़ी सी परलाइट और थोड़ी सी कोकोपीट मिक्स कर लिया। इसके बाद मैं इसमें दे रही हूँ, देखिए ये थोड़ी छोटी सी एक चिली की जो प्लांट है ये आगे। तो मैं ये सोयल मेरे बहुत बहुत ही हेल्दी है, तो इसको मैं गमले से निकाला नहीं हूँ, तो इसमें थोड़ी सी मैं फंगिसाइड डाल दिया, क्योंकि सीड्स देने के बाद थोड़ी सी डर लगते हैं, क्योंकि फंगस इन्फेक्शन हो जाए तो सीड्स फेल हो जाते हैं ग्रो होने में। थोड़ी सी फंगिसाइड और ये थोड़ी सी नीम खली और थोड़ी सी सरसों खली मैं मिक्स किया, थोड़ी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। इसके बाद इसमें मेरा जो इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर है बनाना और एक शील फर्टिलाइज़र, एक शिल जो है इसको मैंने पाउडर बना के मैं जब भी पोटिंग मिक्स बनाती हूँ ये इसमें डाल देती, तो इससे बहुत अच्छे से प्लांट का ग्रो हो जाते हैं। तो देखिए ये जो शीर्ष है ये लगा दिया मैंने, अब थोड़ी सी केयर करोगे ना बहुत सारी पेपर का जो प्लांट होते हैं ये आपको मिल जाएगा। और शीट्स लगाने के बाद वाटरिंग तो बहुत ही ज़रूरी होते हैं, आप बहुत अच्छे से फर्स्ट टाइम आप बहुत अच्छे से वाटरिंग कर देना, इसके बाद आप देख के थोड़ी थोड़ी सी स्प्रे करके इसको आप वाटरिंग करना, क्योंकि नहीं तो ये शीट्स गल जाते हैं, इसलिए आप वाटरिंग करने के टाइम बहुत अच्छे से ध्यान दे के वाटरिंग करना। और इसमें आप महीने में दो बार ये फंगिसाइड हो तो फंगिसाइड और नहीं तो नीम ऑयल का स्प्रे कर देना, नहीं तो मिलीबग और इंसेक्ट वगैरह की अटैक हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप पेपर्स या जो भी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग प्लांट रखोगे उस टाइम में आप फंगिसाइड और नहीं तो थोड़ी सी नीम ऑयल है ना, नीम ऑयल का स्प्रे कर देना। मैं तो मैं यूज
यूज़ करती हूँ नीम ऑयल का, और नीम ऑयल और थोड़ी सी हैंड वॉश का, जो नीम ऑयल का जो होते हैं हैंड वॉश के साथ मिक्स करके देने से बहुत अच्छे से ये रिजल्ट मिलते हैं। तो ये रहा पेपर प्लांट केयर, ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ी सी वाटरिंग, फर्टिलाइजर और थोड़ी सी ये सनलाइट, वेजिटेबल्स में मेरे प्लांट से लेती हूँ और हार्वेस्ट करती हूँ, इससे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में यूज़ करती हूँ, सब कुछ ऑर्गेनिक ही यूज़ करती हूँ, तो इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। सलाद में आप आराम से यूज़ कर सकते हो, कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं होते। ये बेल पेपर तो सलाद में हम रॉ लेते हैं, तो घर में उगाए हुए जो बेल पेपर्स होते हैं इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होते। आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए मैं मेरे गार्डन में छोटे छोटे से बहुत सारे पेपर्स बेल पेपर्स आए हैं, बहुत सारी ग्रोथ हो रही है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा बताना, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ना मुझे बहुत एनर्जी मिलते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो करने में बहुत मज़ा आते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।